दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच जगह ऋषिकेश में जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ये पांच जगह वो है जहाँ मैं रिसेंटली अभी होके आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मन की शांति के लिए थोड़ा सा चलते हैं। फिर मैंने देखा कि कहाँ जा सकते हैं, तो ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में मैं उन पांच जगह के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ जहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए, अपने मन की शांति के लिए। और अगर आप चाहें तो अपना वीकेंड भी प्लान कर सकते हैं। ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिर्फ वो पांच प्लेसेस जहाँ आप जा सकते हैं। ये पांचों प्लेसेस स्पिरिचुअल है, बेसिकली टेम्पल्स हैं। नंबर एक पर जो है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों नीलकंठ मंदिर मेन ऋषिकेश से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आपको इजिली टैक्सी या व्हीकल मिल जाएगी। तो आप किसी भी मोड़ से आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, आपको आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए नीलकंठ महादेव की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर में ऊपर ये अमृत मंथन का दृश्य दिखाया गया, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और ये प्रांगण है। नंबर 2 परमार्थ निकेतन, यह एक आश्रम है और आप यहाँ पे जा सकते हो। बीच में एक शिव जी की नदी में बनाई हुई मूर्ति है, जो कि पानी के बीचों बीच में है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम हैं परमार्थ निकेतन के अंदर और ये आप पीछे देख रहे होंगे शिव जी की मूर्ति है, जो कि पानी के बीचों बीच में बनी हुई है। ये यहाँ पर आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना टाइम बिता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अंदर पूरा गार्डन है, अच्छे अच्छे जगह है, सत्संग होता है। नंबर टिकल हाउस है, जो कि 84 कुटिया के नाम से फेमस है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, जिसकी टाइमिंग 10 से 4 है। नंबर 4 उसके साथ में ही 500 मीटर की दूरी पर है भूतनाथ महादेव मंदिर, जहाँ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए भूतनाथ मंदिर, जो कि टैक्सी स्टैंड से जस्ट 1.5 किलोमीटर है। और ऊपर आके ये मंदिर बना हुआ है, मल्टी फ्लोर है, काफ़ी अच्छा है, आई थिंक 6 या 7 फ्लोर है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और घूमते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं भूतनाथ महादेव के। अभी हम आ गए हैं ऊपर और ये भूतनाथ मंदिर के ऊपर से पूरा जो है ऋषिकेश का व्यू है, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो ये पीछे सारी पहाड़ी और ये सारा ऋषिकेश, और वो सामने आप देख सकते हो वो है 84 कुटिया जहाँ हम गए थे, बट वो बंद है, उसकी टाइमिंग 10 से 4 की है, तो दर्शन नहीं कर पाए थे। और अभी यहाँ से ऊपर और भी है, तो चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए और देखते हैं खुला है कि नहीं, पहले अंदर दर्शन करते हैं। नंबर 5 लास्ट प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है त्र्यंबकेश्वर टेंपल, जो कि मल्टी फ्लोर है, यानी कि बहुमंजिल इमारत है और लगभग इसमें 11 मंजिल है और हर मंजिल मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर। मेरे आप पीछे देख रहे हैं लक्ष्मण झूला, और जैसे ही आप इसको क्रॉस करके इस तरफ आएंगे, तो अभी हम जिस जगह पे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर टेंपल। और ये जो टेंपल है ये 13 फ्लोर का है और इसमें बहुत सारे छोटे 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 मंदिर हैं। तो अभी हम 3 फ्लोर तक ऊपर आ गए और अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर और ऊपर से देखते हैं, बहुत प्यारा सा व्यू दिखता है, साथ में ये नदी है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हमें ये प्यारा नज़ारा दिखता है। ये 5 प्लेसेस थे ऋषिकेश में जहाँ पे आप आ सकते हो घूमने के लिए, और भी प्लेसेस हैं बट मेन जो प्लेसेस थे वो हमने कवर कर लिया आपके लिए। एक हमारी पुरानी वीडियो ऑलरेडी है ऋषिकेश की, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।